हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल बढ़िया, घर में सब सेफ और हैप्पी होंगे। चलो आज डिस्कस कर लेते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की थर्ड यूनिट के बारे में, जो कि 12 मार्क्स कवर करती है। 12 मार्क्स कवर करती है। अरे इस यूनिट का नाम क्या है सर? सर इस यूनिट का नाम जो है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं, आज जो स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड यूनिट होगा, जिस यूनिट का नाम है हम लोग एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स, जो कि 12 मार्क्स आपके कवर करती है। चलो इसके स्टार्ट कर लेते हैं इसके डेफिनेशन से। एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन क्या है सर? इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? यानी कि दो तरह के गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट और फाइनल, याद आया? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे जो बात कर रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय, यानी कि प्लान कर रहा है कि ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर के अंदर कि कितने कितने कमोडिटी पे वो पैसा खर्च करने वाले हैं, कितने कमोडिटी को खरीदने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि हमारे ऑल दी सेक्टर्स, जितने भी सेक्टर्स होते हैं, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ सारे सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हम हाउस होल्ड या प्राइवेट सेक्टर भी बोलते हैं पहला, दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा आपका गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा आपका एक्सटर्नल सेक्टर। ये आपके कुछ 4 सेक्टर्स हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं नेशनल इनकम में। ठीक है, तो इन चारों सेक्टर्स की बात कर रहे हैं कि ये चारों सेक्टर जो भी हमारी इकोनॉमी के अंदर हैं वो प्लान किस तरह से करेंगे कि जो अपनी जिदी हुई इनकम से ही वो कमोडिटीज पे पैसा खर्च करने वाले हैं। ठीक है, डेफिनेशन दोबारा से याद करें, इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय, आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आया? ठीक है, अब इसके कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं, एडी के जो कॉम्पोनेंट्स होंगे, ठीक है, वो हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। नाम क्या दिया हुआ? क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है हमारी इकोनॉमी के बाउंड्री के अंदर ही यहाँ पर डिमांड की बात कर रहा है कि हमारी जो बाउंड्री के अंदर, हमारे देश की बाउंड्री के अंदर जो डिमांड करते हैं वो दो ही होते हैं, 2 सेक्टर्स और 3 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर के अंदर जो आता है आपका जो एग्रीगेट डिमांड, अगर मैं बात करूं 2 सेक्टर के अंदर, वो होगा सी प्लस आई। सी मतलब है हाउस होल्ड, जो होगा हाउस होल्ड का खर्चा आएगा, और आई में जो आएगा वो आएगा आपका प्रोड्यूसर सेक्टर का खर्चा आएगा। हाँ, समझ में आया? सी मतलब है आपका प्राइवेट सेक्टर का खर्चा, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर का खर्चा, और आई मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स प्रोड्यूसर सेक्टर का खर्चा। अब 3 सेक्टर इकोनॉमी में जो आएगा एडी इज इक्वल टू में सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, ये तो सबको पता है, हाउस होल्ड सेक्टर का खर्चा, प्रोड्यूसर सेक्टर का खर्चा, और ये आपका आएगा गवर्नमेंट सेक्टर, जो हमारी गवर्नमेंट है जो खर्चा करती है, हमारी गवर्नमेंट के जो डिमांड्स हैं वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। अब ओपन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आ जाएगा 4 सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें आएगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस में एम। ये तीनों ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आएगा आपका नेट एक्सपोर्ट, जो हम डिमांड करते हैं दूसरी कंट्री हमसे डिमांड करती है, और हम जो वहां से डिमांड करते हैं, नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन थी और उसके कुछ कॉम्पोनेंट थे। चलो इसको उतार लो, अब हम एग्रीगेट डिमांड को थोड़े से शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तब तक आप इसे नोट करिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आप शेड्यूल, शेड्यूल क्या कह रहा है, आपकी इनकम जो इंक्रीज हो रही है 0, 50, 100, 150 और 200, यहाँ दिख रहा है आपको शेड्यूल। ठीक है, ये आपकी इनकम हो गया। कंजप्शन देख रहे हो, जब आपकी इनकम जीरो होती है तब भी आप कुछ ना कुछ अमाउंट आप कंजप्शन करते हो। सर ऐसा कैसे पॉसिबल, जब आपकी इनकम ही नहीं है तो आप खर्च क्या करोगे? अब देखो जरा ध्यान से समझो, जब आपकी इनकम ही नहीं है तो क्या आप क्या खाना नहीं खाओगे? इनकम नहीं है तो क्या खाना नहीं खाओगे? जीना है तो खाना तो पड़ेगा ही ना, जो नेसेसरी जो खर्चा है जिसके बिना आप नहीं रह सकते, इनकम हो या ना हो आपको वो खर्चा तो करना ही पड़ेगा। तो वो आपका आ जाएगा सी, मतलब सी मतलब इनकम जब जीरो होती है उसको बोलते हैं सी बार, यहां से समझना, वो क्या होगा कहलाएगा आपका सी बार। सी बार को हम बोलते हैं ऑटोनोमियस कंजम्पशन। ये वो कंजम्पशन होती है, यानी कि कंजम्पशन अगर मैं बात करूं तो कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जब आपकी इनकम जीरो होती है उस लेवल पर जो आपको कंजम्पशन करना पड़ता है, वो तो आपको मजबूरी है, वो आप तो छोड़ ही नहीं सकते, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो।
तो यानी कि उस कंजम्पशन को बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इससे आप नहीं भाग सकते, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीरो लेवल पे, जो मेरे इनकम जब जीरो है तो मेरी आपकी कंजम्पशन कितनी है 50, तो इसको बोलेंगे हमारी 50 के आपकी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, ठीक है। अब जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी आपकी, आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। जरा समझना ध्यान से, जब आपकी इनकम कम होगी तो आप कम उसके हिसाब से खर्चा करोगे, जब आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आप ज्यादा खर्चा करोगे। अगर मैं पार्टीज की बात करता हूँ, दोस्त हैं वो दोस्त होते हैं और पैसा कम होता है तो चलो गोलगप्पे वगैरह से काम चला लेते हैं, बट अगर वही अगर पैसा अगर हमारे पास ज्यादा होते हैं तो हम पिज्जा वगैरह कंज्यूम करते हैं, पिज्जा पार्टी वगैरह देते हैं, तो वही होता है हमारा। जब इनकम कम होती है तो हम कम खर्चा करते हैं, और इनकम जैसे बढ़ती रहती है कंजम्पशन का लेवल भी आपका बढ़ता रहता है। अब जरा ध्यान से समझ लेते हैं, हमने जो कॉम्पोनेंट्स हमने पढ़े, हमने कॉम्पोनेंट्स क्या पढ़े, 2 सेक्टर में भी, 3 सेक्टर में भी और 4 सेक्टर में भी। बट आपके जो सिलेबस में है, आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर है, तो 2 सेक्टर का मतलब क्या है, एक हाउसहोल्ड सेक्टर और एक प्रोड्यूसर सेक्टर, इन दोनों का ही खर्चा यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो जरा समझना, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, जो प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर है, वो हम मान के चलेंगे कि वो सेम है, ये हम अज्यूम करके चलेंगे कि वो सेम है। दैट मीन्स जब आपकी इनकम बढ़ती है घटती रहती है और इन्वेस्टमेंट आपकी सेम रहती है, तो उसको बोलते हैं ऑटोनॉमियस इन्वेस्टमेंट। ये आपकी हम यहाँ पर जो लेंगे हमारे जो सिलेबस में है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑटोनॉमियस इन्वेस्टमेंट है। जरा ध्यान से समझना, ऑटोनॉमियस इन्वेस्टमेंट आपकी चेंज नहीं होती, चाहे आपकी इनकम कुछ भी हो, आपकी ऑटोनॉमियस इन्वेस्टमेंट सेम रहती है, याद रखना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एडी की, एडी का जो फॉर्मूला आएगा आपका वो है आपका सी प्लस में आई, ये याद रखना। एडी का जो फॉर्मूला होगा, एग्रीगेट डिमांड हमने पढ़ा है ना, 2 सेक्टर में सी प्लस आई, अभी तो हमने पढ़ा था 2 सेक्टर इकोनॉमी में, सी प्लस आई का अगर प्लस कर देंगे तो हमारा एडी आ जाएगा। तो सी प्लस आई को मैं प्लस करूं तो कितना आ रहा है हमारे पर 75, यहाँ प्लस करेंगे तो 100, यहाँ प्लस करेंगे 125, यहाँ करेंगे 150 और यहाँ करेंगे 175, ये हमारा एडी आ गया। तो शेड्यूल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा वाई सी आई और एडी। अब हम इसे डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। डायग्राम आपके शेड्यूल के बेसिस पे ही बना है, कुछ अलग से नहीं बनाया गया, ठीक है। तो यहां हमारी इनकम होगी और यहां हमारा होगा एडी और कंजम्पशन। हम यहाँ पे एडी लेने वाले हैं और कंजम्पशन लेने वाले हैं, और आपका मन कर रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट भी आप ले सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट सेम है तो यहां ध्यान रखना ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल पैरेलल पैरेलल। ये हमारा किस पे बना हुआ है, हमारा 25 पे, तो ये हमारा पैरेलल रहेगा, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये आपको ऐसे ही बनाना है रफली, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपका पैरेलल रहेगा। फिर आप कंजम्पशन को देखोगे तो कंजम्पशन आपकी यहाँ ये यह हो गया आपकी कंजम्पशन। जब आपकी इनकम जीरो होती है तो कंजम्पशन क्या होती है आपकी, कुछ ना कुछ होती है, कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती। तो कंजम्पशन जैसे यहाँ से 50 से स्टार्ट होता है, आप मान सकते हैं 50 से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। तो आपका हो गया कंजम्पशन। फिर हम यहाँ पे लेंगे एडी, ये आपका हो गया एडी, ये आपका एडी हो गया एग्रीगेट डिमांड, जो कंजम्पशन से ऊपर रहेगा और ये पैरेलल रहेगा, एडी और कंजम्पशन आपका पैरेलल रहेगा। जरा ध्यान से देखना, यहां पर देखो एडी, एडी और कंजम्पशन को देखो, यहाँ पर कितने का गैप है 25, यहां पर देखेंगे तो यहाँ पे भी 25 और 150 125 के बीच में भी देखेंगे तो 25। एडी और कंजम्पशन के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका इन्वेस्टमेंट है, तो ये जो दोनों का जो गैप होगा वो क्या कहलाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये दो इन्वेस्टमेंट तो आपकी ऑटोनॉमस है, इन्वेस्टमेंट तो आपकी फिक्स है, तो ये जो एडी और कंजम्पशन आपके क्या रहेगा, आपका पैरेलल रहेगा। तो समझ में आ गया आपका एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, समझ में आ गया डायग्राम, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं उसका कंजम्पशन कंजम्पशन फंक्शन के बारे में, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। हम लोग अब कंजम्पशन फंक्शन को समझ लेते हैं, बहुत ही इजी है। तो कंजम्पशन फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है सी बार प्लस में बी वाई, सी बार प्लस में बी वाई। सबकी बुक में अलग अलग होगा, फॉर्मूले भी अलग अलग होंगे, ठीक है, बट जो मतलब होगा वो सेम ही होगा। कई जगह सी बार की जगह ए लिखा होगा, याद रखना सी बार की जगह ए लिखा होगा, ठीक है। तो मतलब एक ही है वो सी बार, मतलब मैंने समझा दिया सी बार क्या होता है, ऑटोनॉमियस कंजम्पशन। ये शेड्यूल के थ्रू समझ लेंगे इसको हम लोग, जब ने कंजम्पशन फंक्शन हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो ये ऑटोनॉमियस कंजम्पशन, ये सी बार तो कुछ समझ में आ गया सर, ये सी क्या है, सी आपकी कंजम्पशन है,
ठीक है, अगर आपको कंजम्पशन फंक्शन दिया है, दैट मीन्स आपको कंजम्पशन आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। और कंजम्पशन फंक्शन क्या है, ये आपकी पूरी की पूरी, इसको बोलेंगे हम लोग कंजम्पशन फंक्शन। ये फंक्शन है कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन निकालना है, दैट मीन्स ये कंजम्पशन है। कंजम्पशन फंक्शन के फॉर्मूले से कंजम्पशन कैलकुलेट किया जाएगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, सी बार आपको समझ में आ गया, पहले ही समझा चुका हूं मैं। बी क्या होता है सर? बी होता है आपका एमपीसी। एमपीसी क्या होगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। समझ लेते हैं इन चीजों को। एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये होगा आपका एमपीसी। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो एमपीसी की जो डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। तो किसके रेशियो की बात कर रहा है, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन, सॉरी चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम के रेशियो की बात कर रहा है, वहां पर आएगा आपका एमपीसी। एमपीसी का अगर फॉर्मूला बोले डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, डेल्टा का मतलब आपका क्या है, चेंज, डेल्टा का मतलब आपका चेंज, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, ये आपका हो गया फॉर्मूला एमपीसी का। ठीक है, तो ये एमपीसी समझ में आ गया। वाई क्या है, वाई आपकी है इनकम। सारी चीजें समझ में आ गई, ये आपने शेड्यूल बना लिया, शेड्यूल क्या है 0-50 जो अभी हमने बनाया वही है सिर्फ। ठीक है, कंजम्पशन जब आपकी इनकम जीरो तो कंजम्पशन कुछ ना कुछ रहता है, मैंने यहाँ पे कंजम्पशन लिया 50, तो दैट मीन्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 50। ठीक है, इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है तो आपका कंजम्पशन लेवल भी आपका क्या कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, अब समझना जरा, अब मुझे ना कंजम्पशन फंक्शन के फॉर्मूले से मुझे कंजम्पशन निकालना है, ये तो आपको पता लग गया। सर कैसे कंजम्पशन निकालना है, जैसे मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे मुझे पता लगाना है यहाँ पर आपकी कंजम्पशन कितनी है, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर कंजम्पशन कितनी है, तो मुझे कैसे निकलेगा, पता चलेगा इस फॉर्मूले से, यानी कि सी बार आपका कितना है, सी बार सर आपने बताया 50 है। ठीक है, अब बी मतलब एमपीसी कितना है, एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, डेल्टा सी का मतलब चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है देख रहे हो, 25 का चेंज आ रहा है, तो 25 अपॉन में इनकम में कितने का चेंज आ रहा है सर, 50 का चेंज आ रहा है, तो यहां पर आ जाएगा आपका 0.5, आपका एमपीसी आ जाएगा 0.5, तो यहां पर मैंने वैल्यू डाल दिया बी की 0.5। इनकम मतलब मुझे इस इनकम में मुझे बताना है कंजम्पशन आपकी कितनी होगी, तो मेरी इनकम यहाँ पे 150, तो 50 प्लस में इसे मैं करूंगा तो यहाँ पर जाएगा 75, या जाएगा 125, तो यहाँ आ गया 125, यही तो था सर पहले भी। ठीक है, तो इस तरह से, इस फॉर्मूले की तरह से हमारा क्या निकल जाएगा, आपका कंजम्पशन। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू। एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पे, इनकम मैंने ले ली 1000, एमपीसी मैंने ले लिया 0.25, और सी बार ले लिया मैंने 200। अब बताओ कंजम्पशन आपकी कितनी होगी, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको क्या बताना है, आपको कंजम्पशन बताना है इस एग्जाम्पल के थ्रू कि आपका आंसर क्या आएगा। तो फॉर्मूला आपको ये रखना है, कंजम्पशन फंक्शन का लगाना है सी बार प्लस में बी वाई। सी बार आपका कितना है 200, बी आपका कितना है एमपीसी 0.25, और वाई कितना है 1000। तो 200 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 250, यहां प्लस करेंगे तो 450, तो कंजम्पशन यहां पर आपका कितना आ गया 450। क्लियर हुआ। तो आप इस कंजम्पशन फंक्शन के फॉर्मूले को और इस शेड्यूल को नोट कर लो, फिर हम आगे समझते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन तो आप समझ ही लिया होगा, तो इसको एक डायग्राम में जरा और समझ लेते हैं, ताकि डायग्राम भी आपके साथ के साथ क्लियर होते रहे हर एक चीज के। ठीक है, तो यहां हम लेने वाले हैं इनकम, यहां इनकम आएगी और यहां आपका आ जाएगा कंजम्पशन। ठीक है, इनकम हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी, तो ये आपकी इनकम है, इनकम का डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है,
पैरेलल बनाना है, बिल्कुल मतलब पैरेलल मतलब 45 डिग्री पे, ठीक है। और आपका कंजम्पशन आपका कुछ इस तरह से बनेगा, ये आपका कंजम्पशन का डायग्राम। जब आपकी इनकम जीरो है तो कंजम्पशन आपकी कुछ ना कुछ तो है ही, जीरो तो हो ही नहीं सकती कंजम्पशन, तो यानी कंजम्पशन अब तो समझ में आ गया होगा, कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव रहती है, कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। और इनकम और कंजम्पशन के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, इनकम जब जब बढ़ती है तो कंजम्पशन का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये तो हो गया आप शेड्यूल, ये डायग्राम दोनों आप नोट कर लीजिए। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं सेविंग फंक्शन के बारे में, ठीक है। अभी आप लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन को देखा, अब हम सेविंग फंक्शन को देखने वाले हैं। तो सेविंग फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है माइनस एस बार प्लस में वन माइनस में बी वाई, ठीक है। इसमें से कुछ चीज आप लोगों को पता ही है, ठीक है। एस मतलब यहां पर आपका है सेविंग, ठीक है, और माइनस एस मतलब है यहां पर ऑटोनॉमियस, ऑटोनॉमियस सेविंग, और बी आपको पता ही है आपका एमपीसी, और वाई आपका इनकम। दोबारा मैं लिख देता हूं यहां पे फॉर्मूला, माइनस एस बार प्लस में वन माइनस में बी वाई, ठीक है। ये चीजें रहेंगी आपकी, जैसे मैंने यहाँ पे इनकम लिया हुआ है, जरा शेड्यूल को जरा ध्यान से देखना। जब आपकी इनकम जीरो होती है तो कंजप्शन आपकी 50 है, तो सेविंग कितनी हुई आपकी, सेविंग जीरो हुई नहीं, सेविंग आपकी जितना आपने ये 50 रुपीज कहां से आया होगा, यहां मान के चलेंगे जो 50 रुपीज जो आपने कंजप्शन करी हमने बोरो करा होगा, तो ये आपकी सेविंग क्या हो गई आपकी माइनस में चली गई, सेविंग आपकी क्या हो गई माइनस में चली गई। फिर आपने देखा कि आपकी इनकम जब बढ़ाई तो आपके कंजप्शन भी बढ़ा 75, बट अब देख लो यहाँ पे, बट आपका देखो इनकम और कंजम्पशन देखना, वाई का जो फॉर्मूला क्या है सी प्लस एस, वाई जो निकले आ रहे कुछ पार्ट तो हम कंज्यूम कर लेंगे और कुछ पार्ट हम क्या कर देंगे सेव कर देंगे, वाई क्या होगा सी और प्लस एस कर देंगे तो आपका आ जाएगा वाई। अब यहाँ पे देखेंगे तो इनकम में से मैंने जितना कंजम्पशन करा है, कंजम्पशन मेरी अभी भी इनकम से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 25 ज्यादा है, तो 25 मैंने बोरो करा होगा, अभी भी सेविंग मेरी क्या हो गई माइनस 25, समझ में आया। अब आपकी इनकम जीरो, इनकम आपकी 100 है, आपकी कंजम्पशन भी आपकी 100 है, इनकम और कंजम्पशन 100, तो सेविंग कितनी होगी जीरो, कि जितना मेरी इनकम थी मैंने सारी की सारी क्या कर दी कंज्यूम कर दी, तो मेरी सेविंग कितनी हुई जीरो। अब इनकम आपकी 150 और कंजम्पशन आपकी 125, अब आपकी इनकम कंजम्पशन से ज्यादा है, जब भी इनकम कंजम्पशन से ज्यादा होगी ये याद रखना, जब इनकम कंजम्पशन से ज्यादा होगा तो सेविंग क्या होगा पॉजिटिव, और जब इनकम कंजम्पशन से कम होगा तो सेविंग क्या होगा नेगेटिव, और जब इनकम कंजम्पशन के बराबर होगा तो सेविंग क्या होगा जीरो, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहां पर तो यही रहेगा। फिर यहां पे देखो 200 और आपकी कंजम्पशन आपकी 150, तो सेविंग कितनी आपकी 50, ठीक है। अब ये आपका सेविंग फंक्शन है जिसके थ्रू आपका क्या निकलने वाला है, आपका सेविंग निकलेगा, क्या निकलेगा आपका सेविंग निकलेगा। अब ध्यान से समझना, अब ये माइनस एस बार जो मैंने लिखा है सर, ये क्या, ये है ऑटोनॉमियस सेविंग। ऑटोनॉमियस सेविंग का मतलब है कि यहां देखना, सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जब आपकी इनकम जीरो लेवल पे होती है तो उस समय जो सेव करते हो आप लोग, उस सेविंग को क्या कहते हैं आपका ऑटोनॉमियस सेविंग, यानी कि जीरो लेवल ऑफ इनकम में जो भी सेविंग होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, ऑटोनॉमस सेविंग कहलाएगी, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। इस सेविंग के थ्रू अगर मैं यही यही एग्जांपल मैं ले रही हूं यहां पर, अगर मुझे सेविंग निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी फॉर्मूले में अप्लाई करना पड़ेगा। माइनस एस बार की बात करूं तो माइनस एस बार कितना है माइनस 50, ठीक है। वन माइनस में बी कितना था, अभी हमने कैलकुलेट करा था पहले ही 0.5, और y कितना है, किस इनकम पे निकालना है, इस बार 200 इनकम पे निकालना है, ठीक है। तो माइनस 50 यहां पर क्या होगा, 1 माइनस में 0.5 आ गया, 0.5 200 माइनस 50 यहां पर कितना आ गया 100, कितना आ जाएगा आपका 50। तो यहां पर कितना था सर, पहले भी 50 था, तो ये हमने सेविंग फंक्शन से भी हम लोगों ने समझ लिया। इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल मैंने ले लिया, मैंने इनकम ले ली, मैंने यहाँ पे 1000 एमपीसी मैंने ले लिया यहाँ पर इस बार 0.75, ठीक है, और एस बार मैंने ले लिया इस बार, माइनस एस बार मैंने ले लिया, वो ले लिया मैंने 100। अब जरा समझ ले, मुझे यहाँ पे सेविंग निकालना है तो किस तरह से सेविंग निकलेगी, ध्यान से समझना। सेविंग का फॉर्मूला आपका क्या है, सेविंग फंक्शन का, माइनस एस बार प्लस में वन माइनस में बी वाई,
माइनस एस बार कितना है आपका 100 माइनस 100 प्लस में 1 माइनस में बी, 1 माइनस में बी कितना आपका 0.5, वाई कितना आपका सॉरी बी कितना आपका 0.75 वाई आपका 1000 माइनस 100 प्लस में यहां पर कितना आ जाएगा आपका 0.25 और यहां 1000 ठीक है। अब देखोगे माइनस 100 इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 250 ठीक है, यहाँ पर माइनस 100 करेंगे तो आपका आ जाएगा 150, तो सेविंग कितना आपका यहाँ पे 150, इस तरह से आपका निकल जाएगा आपका सेविंग। इस तरह के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है सर, ये तो इजी है, अभी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, ये तो सिर्फ बेसिक है, तो बेसिक बेस को अपना क्लियर करिए ना सर अच्छे से, जब बेस क्लियर हो जाएगा ना जो आगे डिफिकल्टीज आने वाली है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, अब पता भी नहीं चलेगा कि इतना इजी था, बट आपको बेस क्लियर करना, ये आपका था सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन ठीक है। सेविंग फंक्शन को एक बार डायग्राम में और देख लेते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखें जरा इसी शेड्यूल को, अगर मैं डायग्राम में देख लूं किस तरह से मैं सेविंग फंक्शन को डायग्राम में समझाना चाहता हूं, देखना जरा। चलो क्या करते हैं, ये हम ले लेते हैं, ये हमारी क्या है सर इनकम, और ये आपकी क्या है कंजम्पशन, ये हम पहले ही बना चुके हैं, ये हमारी कंजम्पशन है और यहाँ पे आपको इनकम शो करनी है, यहाँ पर नीचे ही मैं सेविंग को शो कर देता हूँ मैं आपको ठीक है, या यहीं पे सेविंग को शो कर लेते हैं इस डायग्राम में। सेविंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, माइनस से, जितना है आपका 50 पॉजिटिव है जब आपकी इनकम जीरो है तो इतना ही माइनस 50 होगा यहाँ पे ठीक है। जब इनकम और कंजम्पशन आपकी बराबर है तब आपकी सेविंग क्या है यहाँ पर आपकी जीरो ठीक है। इसको बस आपको क्या करना है, मिलाना है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ठीक है, ये आपका बन जाएगा सेविंग कर्व ठीक है, बहुत सिंपल था ठीक है। अब देख लो जरा एक कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से समझ लें, ये आपका सी ऑटोनोमियस कंजम्पशन कितना है आपका 50, ऑटोनोमियस कंजम्पशन इक्वल टू में ऑटोनोमियस सेविंग होगा, याद रखना ये जितना ऑटोनोमियस कंजम्पशन होगा उतना ही ऑटोनोमियस सेविंग होगा, अगर ये 50 में होगा तो ये माइनस 50 होगा, अगर ये माइनस 75 होगा तो ये 75 होगा, अगर ये 2000 होगा, अगर ये माइनस 2000 होगा तो ये 2000 होगा, अगर ये 5000 होगा तो ये माइनस 5000 होगा, ये चीज ध्यान से समझना है, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर ये चीज आप समझ गए तो ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल, उसका डायग्राम, कंजम्पशन फंक्शन का शेड्यूल डायग्राम उसका न्यूमेरिकल, सेविंग फंक्शन का शेड्यूल और डायग्राम उसके न्यूमेरिकल ठीक है, और हमने ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस सेविंग और एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस करा। अब हम डिस्कस करते हैं एमपीएस के बारे में, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, याद रखना ये चीज, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसके जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम, सेविंग और इनकम के जो चेंज के रेशियो का क्या कहते हैं एमपीएस, एमपीएस का जो फॉर्मूला होगा होगा डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, ये हमारा एमपीसी और एमपीएस है ठीक है। अगर मैं एमपीसी और एमपीएस को प्लस कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा 1 ठीक है। ये किस तरह से हुआ, इन दोनों को प्लस करने से 1 कैसे आया वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, एपीसी एपीएस के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, तो बने रहिए हमारे इंस्टीट्यूट हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।